हाय एवरीवन। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स कि सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स क्या होता है, और इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे बर्नौली हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक है, तो सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स को डिस्कस करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा कि बर्नौली हाइपोथेसिस क्या है उसको समझा जाए। देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स क्या था उसको एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर आप यूँ कह सकते हो उसको रिजोल्व करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक हाइपोथेसिस दिया गया बर्नौली के द्वारा, जो कि एक स्विस मैथमेटिशियन था। तो आप इस तरीके से ये कह सकते हो कि बर्नौली ने एक अटेम्प्ट किया एक्सप्लेन करने का कि ये सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स ही आखिरकार क्या है। ठीक है, ऐसा होता ही क्यों है। ठीक है, सो आई होप कि ये टर्म्स आपको क्लियर हो चुके होंगे यहीं पर कुछ हद तक। तो इस लेक्चर के दौरान हम डिस्कस करेंगे कि सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बर्नौली हाइपोथेसिस, और लेक्चर के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स के साथ कि सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स आखिरकार क्या है। ठीक है, लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स को समझने से पहले सबसे पहले हमारे लिए जानना ये काफ़ी ज़रूरी है कि सेंट पीटर्सबर्ग ही आखिरकार क्या है। ठीक है, देखिए सेंट पीटर्सबर्ग जो है एक रशिया का सिटी है, राइट। तो रशिया का सिटी है, इसका एक बात तो यहाँ से अब स्पष्ट है कि ये पैराडॉक्स कुछ भी हो इसका सीधा संबंध किसके साथ है, सेंट पीटर्सबर्ग के साथ, जो कि रशिया का एक शहर है। दैट मीन्स कि इस पैराडॉक्स का सीधा संबंध किसके साथ है, रशिया के साथ। बहरहाल हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो कि था कि सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स आखिरकार क्या है। देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स के अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, अगर इसके डेफिनेशन की बात करें, तो ये कहता है कि सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स रिफर्स टू द प्रॉब्लम Why most people are unwilling to participate in a fair game or bet? तो देखिए, सिंपल इसकी डेफिनेशन यही है कि आखिरकार क्यों क्यों जितने भी रैशनल पीपल है, ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे अगर हम मोस्ट पीपल की जगह अगर हम वर्ड इस्तेमाल करें रैशनल पीपल, तो वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा कि आखिरकार क्यों रैशनल पीपल एक फेयर गेम में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इसी को सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स कहा जाता है। अब यहाँ पे हमारे लिए जानना ये काफ़ी ज़रूरी है कि ये फेयर गेम आखिरकार क्या होता है। देखिए, फेयर गेम क्या होता है, कोई भी गेम, ऐसा गेम, ठीक है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और लॉस 50-50% हो। दैट मीन्स कि जीतने और हारने की जो संभावना है वो कितनी होनी चाहिए, 50-50%। तो उसको आप क्या कहते हो, उसको आप फेयर गेम कहते हो, राइट। अब देखिए, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि सपोज करिए आपकी इनकम है 1000 रुपीज़, और आपको एक बेट के लिए ऑफ़र किया जाता है, और आपको ये कहा जाता है कि अगर आप जीतते हो ये बेट तो आपको 500 रुपीज़ जो है ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप ये बेट हार जाते हो तो आपसे 500 रुपीज़ ही जो है ये ले लिया जाएगा। ठीक है, अब इस बेट की कंडीशन क्या है कि एक कॉइन को टॉस किया जाएगा, एक सिक्के को उछाला जाएगा, ठीक है, और ये कंडीशन कि अगर आता है हेड, ठीक है, तो आपको 500 रुपीज़ जो है ये दे दिया जाएगा, और अगर आता है टेल तो आपसे ये 500 रुपीज़ ले लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात तो स्पष्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो है ये 1.2 ही होगी, माफ़ कीजिएगा, 1/2 ही होगी। ठीक है, अब क्योंकि इसके दो ही पहलू है, ठीक है, हेड है या टेल है, तो अब यहाँ पे चांसेस जो हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है हेड आने की वो भी आधी है, ठीक है, और चांसेस जो है टेल आने की वो भी आधी है, राइट। तो इस पूरे गेम को, इस टाइप को गेम को आप क्या कहते हो, 50-50 चांस गेम और फेयर गेम। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स क्या कहता है, ये पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स यही कहता है कि आखिरकार क्यों जो रैशनल पीपल है वो इस तरीके के गेम में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक पैराडॉक्स था, और इसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर मैथमेटिकली अगर और डीप अगर इसको हम स्टडी करना चाहें कि सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स क्या होता है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक ऐसा गेम जहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल जो है वो इक्वल हो जाए किसके, इनकम विद सर्टेनिटी। ठीक है, तो आप इसको मैथमेटिकली भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसको आखिरकार मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे समझा जा सकता है। सपोज कीजिए आपकी इनकम जो है 3000 है, ठीक है, वही गेम है, ठीक है, एक टॉस को, एक कॉइन को टॉस किया जाएगा, राइट, और अगर हेड आता है, मान लीजिए हेड आता है, तो आपकी इनकम जो है वो 1000 जो है इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर आता है टेल, ठीक है, तो आपसे 1000 रुपीज़ जो है वो ले लिया जाएगा। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी जो है विनिंग की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग को आप पाई के साथ भी डोनेट करते हो, तो पाई जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है, क्योंकि हेड आने की संभावना कितनी है, जीतने की संभावना कितनी है, 1/2,
और हारने की संभावना जो है उसको आप कैसे डिनोट करते हो, 1 माइनस पाई के साथ, ठीक है। अब ये भी 1/2 है, ठीक है, क्योंकि टेल आने की संभावना भी 1/2 ही है, राइट। अब यहाँ पे इनकम विद सर्टेनिटी की अगर बात करें तो वो है गाइस 3000 रुपीज़, क्योंकि ये आपकी सर्टेन इनकम है, राइट। 3000 अगर आपकी इनकम है तो ये 3000 ही रहेगी, ठीक है। लेकिन जब ये आप जीत माफ़ कीजिएगा, जब आप हारते हो तो आपकी इनकम रह जाती है 2000, और इसको कंसोलेशन प्राइस भी कहते हो, और इसको एफ़ के साथ डिनोट किया जाता है। और अगर आप ये विन कर जाते हो, ये बेट विन कर जाते हो, तो आपकी इनकम जो है ये हो जाती है 4000 रुपीज़, ठीक है, और इसको डब्ल्यू के साथ डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कि एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू जो है, ठीक है, वो कितनी होगी, उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, जिसको कि इस तरीके से लिखा जाता है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू पाई, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, और इसको फिर मल्टीप्लाई किया जाता है डब्ल्यू के साथ, और ये पाई क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बताया है। देन इसको प्लस किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस को 1 माइनस पाई के साथ डिनोट किया जाता है, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया जाता है एफ़ के साथ में, ठीक है। अब ये सभी इक्वेशंस, सभी आपके पास टर्म्स हैं, बस आपको इसमें पुट करना है, ठीक है। चलिए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी है, 1/2, ठीक है, 1/2 हमने लिख दिया। अब जब आप जीत जाते हो तो आपकी इनकम जो है वो बढ़ के कितनी हो जाती है, 4000 रुपीज़, ठीक है, प्लस 1 माइनस पाई, दैट मीन्स कि 1 माइनस 1/2, दैट मीन्स कि हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये भी है 1/2, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें एफ़, जो कि हारने के बाद आपकी इनकम कितनी रह जाएगी, वो रह जाएगी 2000, ठीक है। अब 2 कैंसिल विथ 4000, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2000, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 2000, यहाँ पे आ जाएगा 1000, तो 2000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा, 3000। दैट मीन्स कि इसी को एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कहते हो। तो हमने लास्ट स्लाइड में क्या डिस्कस किया था, जब कभी भी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू इक्वल हो जाए इनकम विद सर्टेनिटी के, तो उसको भी आप फेयर प्ले कहते हो, ठीक है। सो आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स ही क्या है, ठीक है। तो सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स को हमने दो तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, 50-50 वाले केस में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और उसके बाद इनकम विद सर्टेनिटी और एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू के टर्म्स में भी इसको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम ले मैन के टर्म्स में अगर इसको समझने की कोशिश करें कि आखिरकार ये सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स है क्या, तो ये कुछ उस तरीके का ही है जो कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, ठीक है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए एक फेयर क्वाइन जो है, ठीक है, एक सिक्के को उछाला जाता है, और ये कंडीशन रखा जाता है कि अगर हेड आ जाएगा तो आपको, चलिए सपोज़ कीजिए कि एक पर्सन है ए, और उसके पास 1 रुपीज़ है, ठीक है। अब उसको ये ऑफ़र किया जाता है कि आप एक बेट में पार्टिसिपेट कीजिए, और इसके लिए कंडीशन ये रखी गई कि अगर आता है हेड, ठीक है, तो आपको एक एक्स्ट्रा 1 रुपीज़ जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा, और अगर आता है टेल तो आपसे 1 रुपीज़ जो है ये ले लिया जाता है, ठीक है। तो जब तक हेड आते जाएगा, ठीक है, आपको 1-1 रुपये जो है आपके इनकम में ऐड होती जाएगी, लेकिन जैसे ही टेल आ जाएगा तो फिर आपसे 1 रुपये ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे गेम को क्या कहा जाता है, फेयर प्ले कहा जाता है, ठीक है। और इस तरीके का जो फेयर प्ले है, इसमें पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हैं रैशनल पीपल, ठीक है, तो उसी को सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हमारे सामने दूसरा सवाल ये है कि आखिरकार इसको सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स ही क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के यहाँ पे दो वे हो सकते हैं। पहला तो ये होगा कि ये जो पैराडॉक्स है ये आमतौर पर कहाँ आपको देखने को मिलता है, सेंट पीटर्सबर्ग में ही, ठीक है। दैट मीन्स कि रशिया में ही इस तरीके के केसेस आपको देखने को मिलते हैं कि वहाँ के जो रशियंस हैं, स्पेशली अगर हम बात करें सेंट पीटर्सबर्ग सिटी की, कि वहाँ के जो रशियन हैं वो पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते हैं इस तरीके के फेयर गेम्स में, ठीक है। तो एक वे तो ये हो सकता है कि क्यों इसको सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे ये है, आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो बर्नौली थे, ठीक है, डेनियल बर्नौली की एक पब्लिकेशन हुई थी, उनकी जो कमेंट्रीज थी, ठीक है, कमेंट्रीज ऑफ इंपीरियल एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, तो इसको 1738 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो सेंट पीटर्सबर्ग में ही क्योंकि इसको पब्लिश किया गया था, तो इसलिए भी इसको सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स भी कह दिया जाता है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स है क्या, कि उसमें हमने देखा था कि क्यों आखिरकार रैशनल पीपल जो है वो पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हैं फेयर गेम में। तो इसको बर्नौली ने ऑब्जर्व किया, ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस तरीके की जो केसेस है आपको देखने को मिलते हैं सेंट पीटर्सबर्ग में। फिर उन्होंने एक बहुत ही इच्छा जाहिर की कि आखिरकार ये होता क्यों है, ठीक है, इसको समझा जाए कि आखिरकार ऐसा होता ही क्यों है, और उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट इसमें दिखाया,
और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उन्होंने कोशिश करी। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया जब ये पीटर्सबर्ग शहर में रह रहे थे, तो 1732 के अराउंड उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी रशियंस जो हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें सेंट पीटर्सबर्ग सिटी की, तो वो पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, अगर 50-50 गेम हो तब तो वो पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर ये जो रेशियो ये चेंज हो जाता है, ठीक है, अगर चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, अगर हम बात करें 60-40 का रेशियो अगर हो जाता है, दैट मीन्स कि आपके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 60 है, हारने की है 40 है। ठीक है, दैट मीन्स कि आपका जो पल रहा है वो ज़्यादा है, भारी है, दैट मीन्स कि आप जीत सकते हो, आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की ज़्यादा है। लेकिन इस केस में भी, ठीक है, इस केस में भी जो रशियन है वो पार्टिसिपेट गैम्बल में करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये जब बर्नौली जो हैं जब ये पीटर्सबर्ग सिटी में रह रहे थे, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सेंट पीटर्सबर्ग सिटी में ऐसा हो रहा है। ठीक है, लोग जो हैं 50-50 अगर चांसेस हो, अगर विनिंग लॉस के, उसमें तो पार्टिसिपेट करना चाहते ही नहीं है, लेकिन अगर ये रेशियो चेंज हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है वो बढ़ जाती है, फिर भी वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी को सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स कहा जाता है। फिर जब इन्होंने स्टडी करी कि आखिरकार ये क्यों, आखिरकार ऐसा होता ही क्यों है, लोग पार्टिसिपेट करना क्यों नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने कहा कि ये जो रैशनल पीपल जो हैं, ठीक है, कोई भी रैशनल इंडिविजुअल जो है वो डिसीज़न कैसे लेता है, ठीक है, वो डिसीज़न इस तरीके से लेता है कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी अगर मनी की बढ़ती है इनकम बढ़ने के साथ, तो वो उस बेट में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज वो उस गैम्बल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि एक रैशनल इंडिविजुअल जो है इस तरीके के 50-50 जो चांसेस, 50-50 गेम जो है, या फिर हम फेयर प्ले कह सकते हैं इसको, कि फेयर प्ले में एक रैशनल पीपल इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करता है क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी यूटिलिटी जो है, ठीक है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी उसकी मनी की है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि ये सेंट पीटर्सबर्ग ये जो पैराडॉक्स है, इसको रिजोल्व करने के लिए बर्नौली ने कहा था कि एक रैशनल इंडिविजुअल क्या करता है, वो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को देखता है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू को नहीं देखता है। ठीक है, तो इसको हम जब ग्राफिकली हम देखेंगे तो ये आखिरकार हमको ईजिली क्लियर हो जाएगा कि एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा, फर्दर उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया बर्नौली ने, कि जैसे जैसे किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो उसके साथ क्या होता है कि उसकी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू तो बढ़ जाती है। ठीक है, अगर किसी की इनकम 3000 है, अगर वो बैट लगाता है तो वो जीत जाता है, उसकी इनकम बढ़ के 4000 हो जाती है, दैट मीन्स कि उसकी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू बढ़ के 4000 होती है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी यूटिलिटी जो है, ठीक है, उस मनी की यूटिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो रैशनल पीपल है वो पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हैं एक फेयर प्ले में। ठीक है, अब इसको हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ कीजिए एक पर्सन की इनकम है 20,000 और वो एक इसी तरीके के 50-50 जो गेम है, ठीक है, एक फेयर गेम में वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। ठीक है, वो अगर पार्टिसिपेट करता है तो मान लीजिए यहाँ पे विनिंग पे उसको 1000 एक्स्ट्रा रुपीस मिलेगा और हारने पे 1000 का जो उसको लॉस होगा। ठीक है, तो जैसे ही वो जीतेगा तो क्या होगा कि उसकी इनकम तो बढ़ जाएगी, 20,000 से 21,000 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अगर हम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी यूटिलिटी की बात करें, तो ये यूटिलिटी जो है, आप ये वाला जो एरिया देख रहे होगे, ये कम हो जाता है। ठीक है, अगर वो बेट हार जाता है, 1000 का उसको लॉस हो जाता है, तो क्या होगा कि उसकी मनी तो कम हो जाएगी, ठीक है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू तो कम हो जाएगी, लेकिन एक्सपेक्टेड मॉनेटरी यूटिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कहना है बर्नौली का कि क्योंकि इनकम के बढ़ने के साथ साथ मॉनेटरी यूटिलिटी जो है वो कम हो जाती है, इसलिए जो रैशनल पीपल है वो पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हैं किसी भी फेयर गेम में। ठीक है, अब यहाँ पे आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार इनकम के बढ़ने के साथ जो उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो वो कैसे कम हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक अजम्पशंस लेके चला जाता है कि यहाँ पे जो पर्सन जो है, एक तो वो रैशनल है और ऑलरेडी उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसकी सेटिस्फेक्शन जो है, उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो ऑलरेडी पूरी हो रही है और हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अजम्पशन लेके चला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इनकम बढ़ने के साथ यूटिलिटी कैसे कम हो जाती है, मॉनेटरी यूटिलिटी कैसे कम हो जाती है अगर एक बहुत ही पुअर पर्सन है। ठीक है, अगर उसकी इनकम ही 1000 है, अगर 1000 में 1000 अगर एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, 2000 बन जाता है, तो उसके लिए तो मॉनेटरी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, मॉनेटरी यूटिलिटी उसकी बढ़ जाती है उस पैसे की। तो आप कैसे कह सकते हो कि इनकम के बढ़ने के साथ उसकी यूटिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक अजम्पशन लिया जाता है, हम उस पर्सन की यहाँ पे बात करते हैं जिसकी इनकम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस हाइपोथेसिस को
इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है बर्नौली के द्वारा। सो आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है, कि मैं आखिरकार कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हो कि सपोज़ कीजिए आपकी इनकम 20,000 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेट है वो इस तरीके से है कि अगर आप जीत जाते हो तो आपको 1,500 मिलेगा, अगर आप हारते हो तो आपको कितना मिलेगा, आपको 1,000 का आपको नुकसान यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि इन केस अगर आप जीत जाते हो तो आपकी इनकम 1,500 ऐड हो जाएगी 20,000 में, और आपकी इनकम जो है वो बढ़ के 21,500 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप हारते हो तो आपकी इनकम घट के हो जाएगी 19,000, और इस केस में अगर आप देखोगे लॉस ऑफ यूटिलिटी जो है, ठीक है, अगर आप पैसा अगर जब ये बेट हार जाओगे तो आपकी इनकम जो है वो तो कम हो जाएगी, मॉनेटरी वैल्यू तो कम हो जाएगी, लेकिन उस पैसे की यूटिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। आप ये एरिया देख सकते हो, यूटिलिटी उस मनी की बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही यहाँ पे सडन एक रेपिड यहाँ पे जो है चेंज आपको देखने को मिलेगा मॉनेटरी यूटिलिटी में, इस केस में जब आप ये बेट जीत जाते हो, ठीक है। तो ऐसा बर्नौली का कहना था कि क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ साथ मॉनेटरी यूटिलिटी जो है वो पर्सन की कम हो जाती है, इसलिए, ठीक है, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है 50-50 गेम में, ठीक है। सो आई होप कि ये टर्म्स आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम गाइज ये जो हाइपोथेसिस था इसको हम इसकी हम क्रिटिसिज्म देखेंगे कि आखिरकार इसको क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है। देखिए इसको क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए एक तरफ अगर हम बात कर रहे हैं इस हाइपोथेसिस की तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जितने भी अगर रिस्क के साथ रिलेटेड अगर जितने भी डिसीजन हो वहाँ पे ये काफ़ी मायने रखता है, ठीक है। लेकिन ये सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स क्या है, इसको पूरी तरीके से ये रिसोल्व नहीं कर पाया, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ठीक है। सेकेंडली इसको इस तरीके से भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि यूटिलिटी जो है, ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन जो है इसकी कोई अपर बाउंड नहीं होती है, ठीक है। यूटिलिटी फंक्शन की एक अपर बाउंड नहीं होती है और ये फिर से रीजनरेट हो सकता है, ये जो पैराडॉक्स है ये रीजनरेट हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे समझ सकते हो कि यूटिलिटी की अपर फंक्शन नहीं होती है, ये रीजनरेट हो जाएगा। देखिए मैंने आपको वहीं पे बताया था कि ये जो पैराडॉक्स जो है इसकी एक अजम्पशन ये है कि हम उस पर्सन की बात करें जिसकी इनकम ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है। तो इन केस मान लीजिए इन केस अगर एक सडन डाउनफॉल आ जाता है, ठीक है, उसकी इनकम में अचानक ही बहुत बड़े लेवल पे गिरावट आ जाती है, ठीक है। तो 20,000 वाला हमने केस देखा था कि उसकी इनकम 20,000 है, अचानक ही उसकी जॉब चली जाती है या फिर कुछ भी कोई भी रीज़न हो सकता है उसकी इनकम बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा अगर वो 1,000 जीतता है, ठीक है, अगर बेट में 1,000 जीतता है तो उसके लिए तो मॉनेटरी यूटिलिटी जो है उस केस में तो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इस पूरे हाइपोथेसिस को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि क्योंकि कोई भी अपर जो है बाउंड नहीं होता है यूटिलिटी फंक्शन का और ये रीजनरेट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये है कि ये बेस्ड है कार्डिनल यूटिलिटी पे, ठीक है। तो कार्डिनल यूटिलिटी क्या है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, ठीक है, जो कि आज के जितने भी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है इसको पूरी तरीके से इसको नकारते हैं, इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी करके कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको क्रिटिसाइज़ भी कह सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज़ सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स एंड बर्नौली हाइपोथेसिस। तो सो आई होप कि मैं आपको ये समझाने में कामयाब रहा होऊंगा कि आखिरकार ये पूरा कंसेप्ट क्या था, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।